आ गए क्या सब लोग? यस, कहाँ हो यार तुम? दिख नहीं रहे हो। चैट बॉक्स खाली खाली सूना सूना सा लग रहा है पूरा। आ गए, देख लेना, सब चेक कर लो। स्क्रीन दिख रहा हूं मैं, दिख रहा हूं आपको। आवाज आ रही है सही से? बता दो फटाफट, तो आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, वेरी 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 गुड आफ्टरनून गाइस। लेट अस रिज्यूम विद मैथमेटिक्स। कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा आज मैं, बट नॉट वाइल स्टार्टिंग द लेक्चर। हम पहले कल का रिविजन पार्ट कंप्लीट करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, होमवर्क को डिस्कस करते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे आज चीज़ों पर बढ़ते हैं। राइट, टेल मी गाइस, होमवर्क किया क्या सभी लोगों ने? जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, लेट मी अंडरस्टैंड, आप लोगों ने होमवर्क किया है क्या? सर होमवर्क क्या था? ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, होमवर्क दिया था कल, कुछ तो भी था। एक पप्पू, मुन्ना, बबलू, तीनों की एज बताई थी मैंने, तीनों कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और तीनों को कितना रिटर्न मिलता है, इसके ऊपर लॉजिक फाइंड आउट करना, समझना इस चीज को। ये था आपका होमवर्क। आंसर तो ठीक है, कुछ लोगों ने तो गूगल से कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ है। कार्तिक तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। हाँ चलो बताओ फटाफट, होमवर्क का क्या हाल चाल? मेरे ख्याल से दूसरा ही होमवर्क था आपका पूरे मैथमेटिक्स में। तो मेरे को पता ही था ऐसे क्वेश्चन आएंगे। विनय पूछ रहा है सर क्या होमवर्क था? क्वेश्चन मार्क। सर लास्ट में जो कल कराया था सर, वो फिर से करा देना। मैं पूरा ही कंसेप्ट, पूरी ही स्टोरी फिर से रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। चलो काफी लोग आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल लास्ट हाफ में देखा हुआ था, उसी चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले। ठीक है, कल मैंने एक स्टोरी बताई थी जहां पे अपन ने केसी रोड की स्थापना की थी। राइट है? हाँ याद होगा शायद तुम लोगों को। चलो सो गाइज, वी टॉक्ट अबाउट मिर्जापुर यस्टरडे। हम मिर्जापुर में गए थे, हमने देखा था कि मिर्जापुर में इतना एक आलीशान स्ट्रीट था जहां पे सभी कंपनीज के, बड़े बड़े कंपनीज के हेडक्वार्टर्स थे, जहां पे जौनपुर की तरफ जाते समय केसी रोड करके लगता है, जिसकी हम बात कर रहे थे कल। राइट, और यही केसी रोड पे कालीन भैया का बहुत बड़ा बिजनेस था। राइट, लोग रिस्पेक्ट तो करते ही थे बट डरते भी थे इनसे। इन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसको बोला, यार तुम इतना कमा रहे हो अभी, तुमको मैं पॉकेट मनी अलग से दे रहा हूँ, बापूजी तुमको पॉकेट मनी अलग से दे रहे हैं, तो चुपचाप जाओ सेविंग करो, इन्वेस्ट करो। राइट, हमने ये भी देखा था कि इन्होंने बोला था जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा कर पाओगे। राइट, जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा कर पाओगे सेविंग्स, यानी कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा पैसा आप कमा पाओगे। और इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसको हम आज सॉल्व करेंगे, तो आप ये समझ जाओगे कि एग्जैक्टली ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मन ही मन में तो मुन्ना भैया फीलिंग प्राउड कि यार अभी मैं क्या बताऊं पापा को कि मैं तो शुक्ला बैंक में हर साल 50,000 रुपये डालता हूं, जिस पे मेरे को 7% इंटरेस्ट भी मिलता है। हालांकि मुन्ना भैया को ये नहीं पता है कि यार ये इनको लूटा जा रहा है काफी हद तक। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो, बट तुम कंपाउंडिंग जानते हो क्या? नहीं तो दद्दा त्यागी से मिलो, वो तुम्हें पूरा का पूरा कंपाउंडिंग समझाएंगे। दद्दा त्यागी से मिलो, तुम्हें पूरा का पूरा कंपाउंडिंग समझाएंगे। मुन्ना भैया के दद्दा त्यागी के पास, दद्दा त्यागी ने बोला केसी बैंक के फंडे को जानते हो? इतनी टॉप मोस्ट बैंक है, केसी बैंक के फंडे को जानते हो? तो मुन्ना भैया बोले नहीं बता दीजिए। इन्होंने बताना चालू किया कि देखो डे जीरो पे अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए है और उस पे तुमको इंटरेस्ट मिलता है 7% फॉर 1 ईयर, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर तुम्हारे पास क्या रहा? प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 का एज इट इज, प्लस 3,500 का इंटरेस्ट आ गया आपके पास, और दूसरे साल के लिए जो तुम पैसा डालने वाले हो ये भी 50,000 तुम्हारे पास है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा? जो 50,000 है
प्लस जो तुमने इंटरेस्ट पहले साल में कमाया है 3,500 का, उसको भी ऐड कर दो, और इन दोनों चीजों के ऊपर केसी बैंक हमें इंटरेस्ट देता है 7% का, और प्लस जो सेकेंड ईयर के लिए तुम 50,000 रुपए डालने वाले थे उसका तो तुमको अलग से मिलेगा। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले फर्स्ट जो 50,000 रुपीज थे उसके इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले 3,500 और फिर 3,745, और अगर दूसरे 50,000 की बात करूं तो 3,500 उसका भी इंटरेस्ट आ गया। लेट अस कंपेयर फॉर ईयर वन। शुक्ला बैंक की अगर मैं बात करूं तो शुक्ला बैंक 3,500 प्लस 3,500 7,000 देते थे। केसी बैंक के फंडे के हिसाब से क्या होता था, केसी बैंक के फंडे के हिसाब से कुल मिला के 7,245 पैसा मिलता था। समझ रहे हो, 7,245 पैसा मिलता था। मूविंग अहेड लेट मी टेल यू उसके बाद स्टोरी में क्या हुआ। उन्होंने तो पूछा मुन्ना को समझे तुम, तो मुन्ना तो आपको पता है, तो कालीन भैया खुश थे कि भाई मुन्ना को तो सब समझा दिया होगा दद्दा त्यागी ने, मुन्ना तो अब रातों रात करोड़पति बन जाएगा। बट इन्होंने जब पूछा मुन्ना भैया को कि तुमने क्या सोचा, तुम कितना जल्दी पैसा अभी केसी बैंक में डालने वाले हो, कंपाउंडिंग करवाने वाले हो, तो मुन्ना भैया बोले ऐसे कुछ इमीडिएट नहीं सोचे हैं, सोचेंगे कुछ। इससे इनका रिएक्शन तो आप जानते ही, कालीन भैया ने उनको ऐसा रिएक्ट किया, बोले यार इसको फिर से दद्दा त्यागी के पास भेजना पड़ता है, तो फिर से भेज दे दद्दा त्यागी के पास। दद्दा त्यागी बोले तुम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जानते हो क्या, बोले तुम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जानते हो क्या, EOI या ERROI। कल हमने इसकी बात की थी, मैंने सबको लिखने लगवाया था अगर आपको याद होगा तो, राइट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम जानते हो क्या, दद्दा त्यागी जी ने पूछा इनको। तो मुन्ना भैया बोले नहीं मुझे नहीं पता। तो मुन्ना भैया को इन्होंने पूरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझाया। तो अगर मैं स्लाइड को समराइज करूं आपके लिए, तो हमने एक ही चीज देखी कि यार पहले शुक्ला बैंक में अगर ये 2 साल के लिए 50,000 रखते थे तो इनको दोनों सालों का इंटरेस्ट 7,000 आता था। तो 7,000 कितने पे आता था, 50,000 पे। तो 7,000 डिवाइड बाय 50,000 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 कितना आ गया, 14% आ गया। और एट द सेम टाइम अगर मैं केसी बैंक की बात करूं तो केसी बैंक इंटरेस्ट कितना देता था उसी अमाउंट पे 50,000 के, 7,245, और उस अमाउंट को अगर मैं डिवाइड करूं इनटू 100 परसेंटेज निकालूं तो 14.49 या 14.50 परसेंटेज का अमाउंट आता था। समझ रहे हो बात को, हाँ ना। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, शुक्ला बैंक 14% देता था, केसी बैंक 14.5% देता था। इसके बाद भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था क्या मुन्ना को समझी होंगी चीज या ना, तो तुम बोलते हो योग्य नहीं है। मुन्ना तो योग्य है, मुन्ना के दिमाग में और एक क्वेश्चन आया, कहीं मील दूर क्वेश्चन आ गया, और वो ये था कि ये कंपाउंडिंग ना साला, ये कंपाउंडिंग तो ईयरली बेसिस का बता दिया, क्या ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी होगा, मंथली भी होगा, वीकली भी होगा, डेली भी होगा? जी हाँ, इसके बारे में हम आज बात करेंगे, राइट। फिर हम लोग आए थे इस एग्जाम्पल पे, जहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल पूरी तरीके से समझा देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है, ध्यान देना। एग्जाम्पल ये था, तीन लोगों की हम बात कर रहे हैं, पप्पू मुन्ना बबलू। पप्पू है 20 साल का, मुन्ना है 30 साल का, बबलू है 40 साल का, राइट। एजेस है उनके, अज्यूम करते हैं कि तीनों भी लोग 60 ईयर्स ऑफ देयर एज रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे उनके पास कितना पैसा रहेगा, अगर आज ये इंसान यानी कि पप्पू 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ईयरली, मुन्ना 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ईयरली, बबलू 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ईयरली, अज्यूम करते हैं कि 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है या 10% आपका रेट ऑफ रिटर्न है, ये अज्यूम करते हैं। ये अज्यूम करने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा जब आप रिटायर हो गए, और ये था आपका होमवर्क। आंसर तो चाहिए ही, बट आंसर के साथ मुझे यहाँ पे ये भी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक है जो भी इनका पैसा आ रहा है। आइडली क्या बोलोगे आप, आइडली व्हाट विल यू से, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर हियर विल से आइडली। मुझे कुछ रिप्लाइज भी ऑलरेडी आ चुके थे कल जब आपने रिसर्च करने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो आइडली ये रिप्लाई आता है कि सर देखो बबलू 20,000 रुपए डाल रहा है या मुन्ना 4,50,000 रुपए डाल रहा है, पप्पू सबसे कम पैसा डाल रहा है, तो सर पप्पू का रिटर्न सबसे कम होगा, बबलू और मुन्ना का रिटर्न उससे ज्यादा होगा, क्या आपको यही लगता है जो मैं अभी बोल रहा हूं? अगर ये आपको सही लगता है तो चैट बॉक्स में येस डाल देना, आपके होमवर्क के बाद आपको भी लॉजिक समझा होगा तो आप मुझे बता देना क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। इफ येस टाइप येस, इफ आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है तो टाइप नो एंड लेट मी नो व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि यार बबलू ने ज्यादा पैसा डाला है, यानी कि हर महीने 20 हर साल 20,000 रुपए, और मुन्ना का टोटल ही आ रहा है 4,50,000। एट द सेम टाइम पप्पू ने तो सिर्फ 4,00,000 डाले हैं, तो सबसे ज्यादा बबलू और मुन्ना कमाएंगे इन कंपैरिजन विद पप्पू, क्या ये सही है? अगर आप ना बोल रहे हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे रीजन बताओगे ना क्यों बोल रहे हो। रिकॉर्डेड वालों GDPD वालों बोलना चालू करो, मेरे पास आवाज आ जाएगी।
बोलो। सुशील खत्री बोल रहा है नो सर, लेस टेन्योर है इन दोनों का तो वो ज्यादा कमाएगा। कार्तिक बोल रहा है सर बिकॉज टाइम इज मनी, अरे वो तो पता है बट क्या। विक्रम बोल रहा है बिकॉज उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, टाइम पीरियड पप्पू का ज्यादा है। अच्छा मुझे बताओ, टाइम पीरियड ज्यादा है यानी कि कंपाउंडिंग भी ज्यादा हो रहा है क्या? टाइम पीरियड अगर ज्यादा है इसका मतलब कंपाउंडिंग भी ज्यादा हो रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? तो इससे आपको जो पहले स्लाइड में मैंने बताया था, जब कालीन भैया जाते थे मुन्ना भैया के पास और बोलते थे कंपाउंडिंग जानते हो क्या, जल्दी इन्वेस्ट करो, वो क्या बोलते थे, जितना जल्दी तुम इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा तुम कमा पाओगे। क्यों? बिकॉज उतना ज्यादा कंपाउंडिंग हो रहा था, उतना ज्यादा टाइम था उनके पास। समझ रहे हो बात को? हाँ यार ना, ठीक है सर। बबलू का टाइम पीरियड बहुत कम है कंपैरिजन में, आधा ही है, राइट? बिकॉज जल्दी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सर पप्पू के पास टाइम ज्यादा है तो कंपाउंडिंग रेट ज्यादा मिलेगा शायद, करेक्ट? तो आपने समझ लिया होगा कि जो लॉजिक आप अभी ड्राइव कर पाए हो, यही लॉजिक मैं आपसे चाहता था। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, वो तो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, आंसर से मुझे मतलब नहीं है। अच्छा 2 मिनट के लिए आप ये बुक में से, सीए फाउंडेशन में से, सीए में से बाहर निकलो। एज अ नॉर्मल पर्सन अगर हम बात करते हैं, आप में से काफी लोग शायद 17, 18, 19 साल की उम्र में होंगे, 17, 18, 19, 20 की एज में आप रहोगे शायद। आप अपने आप को पप्पू से कन्वर्ट मतलब कंसिडर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। आज के डेट पे मुझे बताओ, आप में से हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा होगा, तुम तो कमा नहीं रहे हो, राइट? आपके मॉम डैड आपको पैसा देते होंगे शायद, और यही पैसा आप शायद कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप फोकट का खर्चा कर रहे हो, मतलब बिना मतलब का खर्चा करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप खर्चा अपनी जगह जहां जरूरत है वहीं कर रहे हो। बट मुझे एक बात बताओ, कितने भी गरीब या कितना भी अमीर क्यों ना कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान हो, यहाँ पे वो कुछ हद तक अपने हिसाब से सेविंग कर सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कमा रहे होंगे शायद, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो महीने भर में 10-12 हज़ार रुपए भी इकट्ठा कर पा रहे होंगे, मे बी खुद कमा के शौक से या मे बी मजबूरी से, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पॉकेट मनी ज्यादा मिलती है। वॉट सो एवर, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आप लोगों के हाथ में पैसा आता है एट द एंड ऑफ द डे, यस। क्या आप उसमें से अपने 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 हिसाब से, हर एक के प्लानिंग अलग है, हर एक की फैमिली अलग तरीके से चलती है, हर एक का माइंड सेट अलग है, क्या आप उसमें से कुछ हद तक पैसा सेव कर सकते हो? यू वॉन्ट बिलीव, अज्यूमिंग कि आपकी जिंदगी 80 साल तक की अगर चलेगी, अज्यूम करते हैं आप आज से लेके जब आप 80 ईयर्स ओल्ड हो तब तक आप जिंदा रहते हो इस धरती पे, और आप 60 ईयर्स या उससे पहले भी रिटायरमेंट लेने का प्लान करते हो, और आप आज से अगर महीने में 500 रुपये, 1,000 रुपये, 200 रुपये, 350 रुपये जितना भी इन्वेस्ट करते हो, जितना भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप जब 60 ईयर्स ऑफ एज पे जाते हो, उसके बाद भी आपके 20 साल जिंदगी के बाकी है, क्या पैसा वहां पे, इतना इकट्ठा किया हुआ पैसा आप वहां पे यूज कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको मैं वेबसाइट की लिंक बताता हूँ। एक एक वेबसाइट पे जाता हूँ मैं, लेट मी ओपन इट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ओपन दैट। यस, आपको सामने यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मैंने HDFC लाइफ का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। प्रैक्टिकली देखेंगे, इंटरनेट पे लाइव चालू है, आप देख सकते हो, गूगल क्रोम खुला हुआ है मेरा। प्रैक्टिकली देखेंगे जो भी एग्जांपल हमने देखा हुआ है, जो भी एग्जांपल हमने अभी देखा हुआ है, प्रैक्टिकली उस बारे में हम बात करेंगे। मुझे बताओ, मुझे बताओ पप्पू की एज कितनी थी, एक एक करके अपन चीजें देखेंगे। मुझे बताओ पप्पू की एज कितनी थी, 20 साल का था वो, ईयरली इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000 का था, कितने पीरियड तक के लिए था वो, 40 साल के लिए, यानी कि उसकी उम्र 60 साल की होंगी तब तक। टोटल रिटर्न इज 4 लाख रुपीज, सो 20 एंड 10। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक सेकंड मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, आई एम हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एंड वॉन्ट टू इन्वेस्ट हाउ मच, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज कितना, मंथली है क्या? नहीं, एन्युअली है। कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, 20 साल उसकी उम्र है, 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करेगा, 40 ईयर्स। हम रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करते हैं 10%, हालांकि आपको 20-30% भी इजिली मिल सकता है, राइट? कैलकुलेट करते हैं, दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे आपको, इन्होंने तो कंपैरिजन भी करके दे दिया है यहाँ पे, इन्होंने कंपैरिजन भी करके दे दिया है यहाँ पे, ध्यान देना सामने। 20 साल की उम्र है, 10,000 डाले हैं, इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है, 40 साल, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है, 4 लाख रुपए, टोटल रिटर्न एट द एज ऑफ 60 ईयर्स कितना आ रहा है, 48.69 लाख रुपीज। कितना? 48.69 लाख रुपीज। तो आप सोचो, अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट यहां है जो इस लेक्चर को देख रहा है, अगर वो महीने के 1,000 रुपए
आज से अगर डालेगा साल के 12,000 रुपए सेव करके इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं, 10% इज वेरी नॉमिनल रिटर्न, इतना भी अगर पकड़ते हैं तो भी 60 साल की उम्र तक वो सिर्फ 4 लाख रुपए डालेगा और उसको मिलेगा कितना, 50 लाख रुपए। समझ रहे हो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, समझने आएगा तुमको कितना कमा रहे हो तुम। कुछ मेहनत करनी है, कुछ करना है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई मेहनत करनी है, कोई चीज करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है। कमा कितना रहे हैं हम? कमा रहे हैं 48.69 लाख रुपीज। कमा रहे हैं हम 48.69 लाख रुपीज। समझ रहे हो बात को? हाँ यार ना, राइट। नाउ लेट मी टेल यू, यहां पे ये हम 40 साल की जो बात कर रहे हैं, इसमें आप कमाओगे आगे जाके? इट इज नॉट लाइक टुडे इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट और सेव 1,000 रुपीज पर मंथ, कल भी उतना ही होगा, आप सीए बन जाओगे, आप लाखों करोड़ों में कमाओगे, आप ज्यादा पैसा भी डाल सकते हो। तो आज अगर आप 1,000 रुपए महीना डाल रहे हो, कल शायद आप 10,000 रुपए महीना डाल पाओ, उसके बाद आप शायद 1 लाख रुपए महीना डाल पाओ, आप शायद 1 करोड़ रुपए भी डाल पाओ कभी, भगवान करे ऐसी चीज हर एक के साथ हो, राइट। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूं यहाँ पे कि इतना पैसा, मतलब जरूरी नहीं है आप नौकरी करो और वहां से कमाओ, आप इन्वेस्टमेंट अर्ली एज पे अगर स्टार्ट करते हो ना, वहां से भी आप कमा पाते हो। प्रैक्टिकल सजेशन जिसका कोई मैथमेटिक्स से लेन देन नहीं है, मतलब अपने सिलेबस से लेन देन नहीं, बता रहा हूं आपको। व्हाई? बिकॉज इट इज टोटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट का, चैप्टर का समझने आना चाहिए, कंसेप्ट समझने आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। शायद आपको ये कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। बच्चों को सीए बनने बाद ये चीजें समझती है, तब तक उनकी एज 21, 22, 23, 24 हो जाती है। कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी में कि सर हम, हमारे घर पे फाइनेंशियल क्राइसिस है सर, हमारे घर में कोई इतना कमा नहीं पाता, हम नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। बट आप सिर्फ इतना सोचो, अगर आज आप 500 रुपये सेव कर पाते हो, 500 रुपये इन्वेस्ट कर पाते हो म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में मत करो ना, डर लग रहा है तो म्यूचुअल फंड में करो, उसमें भी डर लग रहा है ना, फिक्स डिपॉजिट बनाओ हर महीने 500 रुपये का जाके, राइट। तो भी आप साल में 10-12 हज़ार इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 रुपये तो यार हर इंसान निकाल सकता है, हर इंसान निकाल सकता है, उतना निकालो आपके 50 लाख रुपए बनने की तैयारी में है। समझ रहे हो? और एक बार आदत लग गई ना, आप हर महीने सेव करोगे, हर महीने सेव करोगे, राइट। तो चलो ये तो इसकी बात हो गई अभी। बट सर वो टाइम पे 48 लाख रुपीज की वैल्यू कम होगी ना? नहीं, उस हिसाब से तो बराबर होगी ना। उस टाइम पे 50 लाख रुपए आपके पास कहां से आएंगे? आप सोचो उस टाइम पे 4 लाख रुपए, आप देखो इस बात को समझो, आपने उस टाइम पे 4 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए, तो 4 लाख रुपए की वैल्यू 48.69 लाख रुपीज होगी क्या? ऑब्वियसली नो ना। तो हम अभी तो 4 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, स्टेजेस पे डाल रहे हैं, और आपको मिल कितना रहा है? 48.69 लाख रुपीज। आप इसके साथ इसकी वैल्यू कंपेयर करो ना, उस टाइम पे 4 लाख रुपए की वैल्यू 50 लाख तो नहीं होगी ना। 4 लाख की वैल्यू समझो 2-2.5-3 लाख होंगे, कम हो जाएंगी। उल्टा इसकी वैल्यू समझो तो कम हो जाएंगी, 31 लाख रुपए हो जाएंगी, बट फिर भी वो 2 लाख और 30 लाख कितना फर्क है। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, यू कैन से ये मैजिक है पूरा कंपाउंडिंग का। इस तरीके से कंपाउंडिंग वर्क करता है। आगे भी देखते हैं। दूसरा क्या था? दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि मुन्ना 30 साल का है और हर साल 15,000 रुपए डालेंगे 30 सालों के लिए। आइए देखते हैं मुन्ना है कितने साल का। मुन्ना इज, अच्छा इसको एडिट करना पड़ेगा, हाँ मुन्ना है 30 साल का। ये क्या हो गया? मुन्ना है 30 साल का, ये इन्वेस्ट करना चाहता है 15,000 रुपीज पर मंथ, पर ईयर। 30 साल है इसके पास, अज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न इज सिंपल, उतना ही रिटर्न है 7%। कितना कमा रहा है? इन्वेस्ट करेगा 4.5 लाख, कमा कितना रहा है? 27.14 लाख। यस, तीसरी चीज देखते हैं। तीसरी चीज क्या थी? तीसरा जो कैलकुलेशन था, 40 ईयर्स है बबलू, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेगा, 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। आओ देखते हैं, इफ यू टॉक हियर, ये 40 साल का है, He is 40 years of age. ये इन्वेस्ट कर रहा है 20,000 रुपीज एनुअल बेसिस पे 20 सालों के लिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम है 7%। कितना कमा रहा है? 12.60 लाख रुपीज उसकी वैल्यू होगी। मुझे बताओ सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, लेट मी टेल यू सिंपली, ये एक अमाउंट, दूसरा अमाउंट, तीसरा अमाउंट, व्हाट डू यू थिंक, क्या चीज सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है? क्या चीज सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है? आज अभी इसी वक्त इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना, या बाद में जाके इन्वेस्ट करना, या बाद में जाके इन्वेस्ट करना? समझ रहे हो बात को? कितना डिफरेंस है। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जितना आप उसको कंपाउंड होने दोगे उतना ही आपको वो ज्यादा रिटर्न देगा। तो वैल्यू तो चाहिए, बट वैल्यू के साथ पीरियड भी चाहिए। उतना टाइम अगर मिलेगा ना तो आप ज्यादा कमा पाओगे। कम टाइम अगर मिलेगा, भले वैल्यू ज्यादा हो, आप उतना कंपाउंड नहीं होने दे रहे हो अपनी चीज को, अपने पैसे को। समझ रहे हो?
पप्पू तो स्मार्ट निकला जी, मुन्ना तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, बबलू तो सोचता था मैं होशियार हूँ, एंड बबलू ने क्या किया? ठीक है, विक्रम पूछ रहा है सर बट रियलिटी में कोई बैंक इतना इंटरेस्ट देती है क्या? बेटा जो भी चीज़ मैं क्लास में बताऊंगा वो रियलिटी ही मतलब रियलिस्टिकली ही पॉसिबल है, वही चीज़ बताऊंगा मैं, ऐसे ही कुछ अज्यूम नहीं करूंगा। अब मैं इस पर बात करता हूँ, बैंक आपको 6-7% इंटरेस्ट के अलावा नहीं देगी, बट मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको 50% तक का भी रिटर्न दे सकते हैं इजीली। इक्विटी शेयर, जैसे कंपनी बढ़ेंगी शेयर बढ़ेंगे, कोई कंपनी का शेयर कल 10 रुपए होगा, आज शायद 100 रुपए हो सकता है, रातों रात 10 गुना, 10% तो छोड़ 10 गुना, 100% तो छोड़ 10 गुने की हम बात करें, 1000% बढ़ जाएगा वो, ये भी पॉसिबिलिटी है। डिपेंड अपॉन अपना रिस्क एपेटाइट कितना है, हम कितना रिस्क ले पाते हैं उसके हिसाब से ये चीज डिसाइड होगी आपकी। तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले पा रहे हो तो आप ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न के लिए भाग सकते हो। द हायर द रिस्क दैट यू आर रेडी टू टेक, द हायर द रिटर्न यू कैन गेट, बट रिस्क तो हायर ही है, पैसा डूब भी सकता है। तो आज अगर हम स्टूडेंट है, अगर हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम खुद का ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हम पॉकेट मनी से सेव कर रहे हैं या हम घर वालों से लेके सेविंग कर रहे हैं, तो आप शायद फिक्स डिपॉजिट में रखो जहां पे आपको 6-7% इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो SIP सर्विस देते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने में 500 रुपए, मिनिमम 100 रुपए से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशन पे ही सब हो जाता है, आपने जीरोदा का नाम सुना होगा, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करो वहीं पर सब, अपस्टॉक्स का नाम सुना होगा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज ग्रो करके एक म्यूचुअल फंड की कंपनी है, रिलायंस रेलिगेयर है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप यहां पे मोबाइल से ही गूगल पे से 500 रुपए ट्रांसफर करो महीने का महीना, या उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दो और वो आपको हर महीने उतना पैसा काट देगा और आपको ऐसी कंपाउंडिंग की रिजल्ट्स देगा वो। तो जितना ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में अगर आपने सही से प्लान किया ना, आपको 55% तक के रिटर्न भी मिल सकते हैं। हम तो सिर्फ कितना एवरेजली नॉमिनल कम से कम 10% हम अज्यूम कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचो आज अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हो तो आप 5%, 6%, 7% पे ही रह जाओगे। आप जब CA बन जाओगे, खुद से कमाने लगोगे, उस टाइम पे आप रिस्क बढ़ा सकते हो अपनी, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, तो ये वहां पे कंपेंसेट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? ठीक है, जो स्टूडेंट्स अगर ऐसा कुछ करना चाहते आप कर सकते हो, बट एक ही चीज है जो मुझे बोलनी है, टाइम नहीं डालना है इस चीज में, टाइम पढ़ाई में डालना है। क्या है ये? लुक्रेटिव चीज है, रातों रात पैसा डबल हो सकता है। तो आपको लगता है सर इसमें ध्यान देंगे CA क्या ही करेंगे, ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं, कितनी चलेंगी, कब तक चलेंगी, और आप आज इनको नहीं समझ पाओगे, आप इसके पीछे के कंपाउंडिंग के लॉजिक को समझ पाओगे, बट आप इसके पीछे मार्केट कैसा चलता है, प्राइस कैसे मैन्युपुलेट होती है, क्या चीजें होती है, ये आप नहीं समझ पाओगे। आप ये सब समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज आपको CA इंटरमीडिएट CA फाइनल में मिलेगा। तो आपने अभी नहीं उस पर ध्यान देना है, आपने सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, सेविंग करना स्टार्ट करना है, बिंदास करो। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? ठीक है, कंसेप्ट सबको क्लियर है? आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू टेल मी यस इफ द कंसेप्ट इज क्लियर। अगर आपको कंसेप्ट समझ गया है पूरी तरीके से, कंपाउंडिंग का मैजिक, कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है ये समझा है कि आपको, अर्ली इन्वेस्टिंग कैसे काम आएगा, टाइम इज मनी एंड मनी की वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज होते रहती है, ये आपको यहाँ से समझने आ रहा है क्या? पप्पू कैसा स्मार्ट निकला ये आपको समझने आ रहा है क्या? कल ट्रेंड हो रहा था ना पप्पू इज राइट करके ट्विटर पे, पप्पू इज राइट, ठीक है, कल ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था पप्पू इज राइट, राइट सर। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बताना कभी, उसके बारे में बात करेंगे अपन। वैसे इतना कुछ ज्यादा मैंने नहीं किया हुआ है बिकॉज मुझे उतना नहीं समझती है ये चीजें प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बट यस मैंने काफी चीजें यहाँ पे की रखी है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे टाइम आने पे। वैसे तो इस चैप्टर में ही बताना चाहिए बट बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा उन सब चीजों में, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे जरूर कभी, डू नॉट वरी अबाउट इट। सुशील से सर मैंने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी SIP चालू कर रखा है। वेरी गुड बेटा। समीर आज ही इन्वेस्ट करना सही है। करेक्ट करेक्ट, रिस्क है तो इश्क है, बिल्कुल सही बात है। हिमांशु सेज ब्रिटानिया का शेयर एक दिन में सर 1000 रुपए से 3000 हो गया था, 1-2 महीने पहले की बात है। एग्जैक्टली तो देखो वैसे चांसेस भी मिलते हैं, बट हालांकि अपन एक आम इंसान की अगर बात करते हैं जिसको नॉलेज ज्यादा नहीं है, जिस लेवल पे आज आप हो, स्टिल यू कैन एटलीस्ट डू वन थिंग, यार 500 रुपए सेव करो, इन्वेस्ट तो भी करो, कंपाउंडिंग इफेक्ट जरूर मिलेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? चलो नाउ एक कंक्लूजन यहां से होता है कि जितना ज्यादा आप पैसे को कंपाउंड होने दोगे उतना आप ज्यादा कमाओगे। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वैल्यू आर यू इन्वेस्टिंग,
बट वैल्यू कितनी भी रहो, अगर आपने उस वैल्यू को प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर टाइम पीरियड दिया, प्रॉपर टेन्योर दिया, तो आप ज्यादा कमा पाओगे। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, चलो बिफोर मूविंग ऑन, मुझे कुछ चाहिए कि आप लिख लो अपनी नोटबुक्स में इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग। दो कंसेप्ट देखे अपन ने, कंपाउंडिंग देखा, एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा। कंपाउंडिंग कवर्स 70% ऑफ योर चैप्टर, एंड कंपाउंडिंग के बेसिस पे हम आगे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और एन्यूटी देखने वाले हैं, जो कि शायद देखा 2 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे। बट अभी बिफोर गिविंग यू टू राइट समथिंग, आई हैव फ्यू थिंग्स टू टेल यू, आई हैव फ्यू थिंग्स टू टेल यू। ये हर बैच में होता है, इस बैच में भी होगा, ये सबको पता था। आप लोगों को भी शायद ये चीज समझेगी जो मैं बोलूंगा, कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं। दो तीन चीजें बोलनी है। पहली चीज, आप जब भी डाउट भेज रहे हो, खास करके जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, आप जब भी डाउट भेज रहे हो, आप डाउट भेज दो। आप डाउट लिखकर टेक्स्ट भी भेज सकते हो, लिखकर पेपर पे फोटो खींच के भी भेज सकते हो। क्वेश्चन का फोटो ले लो, आपके सोल्यूशन का फोटो ले लो, भेज दो, चलेगा। आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप वॉइस नोट भी भेज सकते हो। ठीक है, यू कैन डू ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपको अगर फोन पे बात करनी है कोई इशू के रिगार्डिंग, आप टाइम ले सकते हो। एवरीथिंग इज अलाउड, एवरीथिंग इज ग्रांटेड, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल टाइम देंगे। होता क्या है, एज अ स्टूडेंट हमें लगता है नहीं अभी तुरंत सोल्यूशन चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। परसों इवनिंग में अपना बीसीआर का लेक्चर चालू था, शाम में 7:15 बजे। कोई मैथ्स का स्टूडेंट था जिसने बीसीआर की भी एडमिशन ली है, बट उसने बीसीआर का लेक्चर लाइव नहीं अटेंड किया उस टाइम पे। वो मैथ्स का कुछ तो सॉल्विंग कर रहा था अपने हिसाब से, और उसने मेरे को क्वेरी भेजी सिंपल इंटरेस्ट की, करीबन 7:25 को। मोबाइल यहाँ पे सामने ही होता है, कोई इमरजेंसी कॉल वगैरह ऐसे लिए तो मुझे पता चल जाता है। तो उसने सामने क्वेरी भेजी, मैंने ठीक है इग्नोर किया। मैंने बोला क्लास खत्म होगी फिर अपन रिप्लाई करेंगे, या मैं यूजुअली 24 आवर्स का टाइम बोलता ही हूँ स्टूडेंट को, 24 to 48 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा। 7:25 को बंदे ने कॉल किया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जिसको पता है ये चीज़ आप दिल पे मत लेना, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 7:05 के अंदर कॉल आया पहला, 7:35 को दूसरा कॉल आया, 7:40 को तीसरे नंबर से कॉल आया, कोई तो भी नंबर यूज करके। उसके बाद मैंने जब उसको कॉल बैक किया बाद में, बोलता सर आप फोन ही नहीं उठाते, ऐसा ही नहीं करते, वही नहीं करते, आप रिप्लाई नहीं करते, मतलब मैं बीसीआर का क्लास लूँ या मैं वहाँ पर मैथ्स की क्वेरी सॉल्व करूँ? तो बेटा एक ही चीज बोलनी है, आप जो भी टीचर को आप क्वेरी भेजते हो, आप क्वेरी भेज दो, सबर करो। 24 आवर्स में अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है फिर ही आप वापस से पिंग करो, आपको 24 आवर्स में रिप्लाई जरूर आ जाएगा। एटलीस्ट ये तो भी आ जाएगा कि इस चीज को कैसे टैकल करना है, क्या करना है, या कैसे वो डाउट सॉल्व होगा, बीट टेक्निकल, बीट सब्जेक्ट रिलेटेड, बीट एनी लॉजिकल डाउट, एनीथिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखो। सर क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसे क्या, ये क्या, वो क्या। अब जैसे अपना टाइम होता है, अपन कितने बजे स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट एट 2:30, राइट। सो आज 2:34 को क्लास स्टार्ट हुआ, मुझे 3-4 मैसेजेस आ गए थे कि सर क्लास 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 क्लास, तो क्लास टाइम पे स्टार्ट होगा। जैसे अभी कल का मेरा बेसिक का क्लास मैंने कैंसिल किया, मैं नहीं ले पाया कुछ रीजन से, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेंगी, डू नॉट वरी। ऐसा एक आध बार ही होगा कि बिना इन्फॉर्म किए क्लास नहीं हो पा रहा है, वो भी कब होगा, जब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ टीम को भी, या आपको भी, या और कोई फैकल्टी को भी। वो एक आध बार कभी रेयरली होता है तो होता है, यूजुअली नहीं होती है वो चीज़ है। सो इस चीज़ को पहला समझना। दूसरी चीज़, कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए थे कि सर आप बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हो, और एक हाथ स्टूडेंट का मैसेज आता कि सर आप बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो। अब ये कन्फ्यूजन हमेशा होता है, खास करके अकाउंट्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में जहां पे बेसिक फंडामेंटल चीजें बहुत ज्यादा होती है। लेट मी टेल यू वन स्मॉल थिंग ओवर हियर गाइस, लेट मी टेल यू वन स्मॉल थिंग। अगर मैं क्लास में कोई कंसेप्ट बता रहा हूं और मुझे सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मैं क्या समझूंगा, इन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट पता है, फिर मैं आगे जा सकता हूं। बट अगर एक भी स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता है, या 10% भी स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, तो मुझे वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये बेसिक चीजें करते हैं, इसीलिए हम ये बेसिक वाली चीजें करते हैं। तो इनिशियल 10-15 डेज जो है ना, स्पीड कम होती है बेटा, इसलिए नहीं कि हम स्लो पढ़ाते हैं, कम इसलिए होती है ताकि स्टूडेंट को सब समझने आ जाए, स्टूडेंट और टीचर सेम लेवल पे आ जाए, फिर हम दौड़ पाएंगे। अगर हम अभी स्लोली नहीं चलेंगे ना, तो हम आगे दौड़ नहीं पाएंगे, फिर हमको पूरी बैच चलना पड़ेगा सिर्फ। अगर हम अभी स्लोली चलने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तो आगे जाके हम दौड़ पाएंगे। और एग्जाम में हमें दौड़ना है, एग्जाम में चलना नहीं है, टाइम कम है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अति गई संकटात जाई, पता है मराठी में बोल रहा हूं मैं, अति गई मतलब ज्यादा स्पीड लोगे ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी। तो हम धीरे धीरे इसीलिए चल रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्टली सब चीजें समझने आ जाए। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स तो बेसिक भी अटेंड कर रहे हैं, बेसिक में तो एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं, एक एक चीज पर 10-10 बार प्रैक्टिस ले रहा हूं, ताकि कहां भी डाउट रहे ही नहीं स्टूडेंट के माइंड में। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सब चीजें प्रॉपरली समझने आ जाए अभी सिर्फ,
इन चीजों का आपको आगे जाके बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आप जब आगे चैप्टर्स पढ़ोगे ना मेरे साथ, आप बिना मेरी हेल्प के क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और मेरी सक्सेस वही है, मेरी सक्सेस वही है, मेरा सेटिस्फेक्शन वही है। इससे नहीं कि 5,000 10,000 एडमिशन हो मेरे पास। सक्सेस इसी से आता है कि यार स्टूडेंट टीचर के आगे जाके, मतलब टीचर पढ़ाने वाला है उसके पहले ही बताए, सर ये कंसेप्ट है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, आंसर राइट आ गया सर, खत्म। मुझे नहीं देखना सर आपका लेक्चर, मेरा आंसर आ गया, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट कंसेप्ट देखूंगा, उस दिन मैं खुश होता हूँ। क्लास में होता है कई बार 100 क्वेश्चन सॉल्व करने देता हूँ और मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, तो मैं कम स्पीड से जाता हूँ ताकि हर स्टूडेंट मेरे साथ चल सके। तो मेरा 50th प्रॉब्लम चालू रहा ना, तो कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 100th प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे, और करेक्ट लिया मतलब अच्छे तरीके से। तो आप खुद से बिना टीचर की हेल्प से जिस दिन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे ना, उस दिन इस टीचर की एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ाया उस तरीके से कि यार हमने डिस्कशन उस तरीके से किया हुआ है कि आप खुद से कर पा रहे हो, एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट। इसलिए मैं स्लो जाऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो सर बेसिक मत कवर करो, आगे हम देख लेंगे जो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेसिक लेक्चर लेना बंद कर सकता हूँ। वैसे भी आधे लोग ही देख रहे हैं, मैं बेसिक लेना बंद कर सकता हूँ, इवन मैं क्लास में भी बेसिक लेना बंद कर सकता हूँ। लेट मी टेल यू, विदाउट बेसिक, अगर बेसिक पे फोकस न किया जाए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर भले ही इतना इंपॉर्टेंट है, भले ही डिटेल में कवर करो, स्टिल इट विल हार्डली टेक 7 to 8 lectures। 7 से 8 lecture में भी इस पूरी चीज को कंप्लीट किया जा सकता है। आप मैराथन जब अटेंड करोगे ना मेरे साथ, पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी 1 घंटे में सब कुछ समझ नहीं आएगा, 1 घंटे में, 1 घंटे में। तो मैं 1 घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ वही चीज, मैं उसी चीज को 10 घंटे भी दे सकता हूँ, उसी चीज को 100 घंटे भी दे सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग। 1 घंटा एक्स्ट्रा क्या ना चलेगा, बट आपको समझ नहीं आना वो इंपॉर्टेंट है। बट अगर 1 घंटा बचाने के चक्कर में हम जाएंगे और वहां पर अगर आपको बेसिक नहीं समझने आया, तो पूरा सिलेबस हिल जाएगा। फिर बोलना मत कि सर हमको ये भी नहीं समझ रहा है, और आगे बढ़ने बाद वापस पीछे आना बेसिक्स पे और बेसिक को सिखाना, मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन हो जाती है। एज ए टीचर नहीं, एज ए बैच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे बताओ, हमने बचपन में 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 की टेबल पढ़ी थी, राइट। मुझे बताओ आज अगर मैं आपको वो 2 की टेबल यहाँ पढ़ाऊं तो कैसा लगेगा आप लोगों को, क्या सिचुएशन रहेंगी अपने बैच की, आप सोचो, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि जो टाइम पे जो चीज होनी जरूरी है ना, अगर वो उस टाइम पे होती है तो बेस्ट है। हर स्टूडेंट समझता है कि हर स्टूडेंट होशियार है, हर स्टूडेंट समझता है कि हमारा जो टीचर है सामने, ये तो बस अपने हिसाब से कुछ तो भी करवाते जा रहा है, मैं तो होशियार हूं, मैं मेरे हिसाब से पढ़ूंगा, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट टीचर की जरूरत कहाँ पड़ती है, गाइड करने में। टीचर की जरूरत कहाँ पड़ती है, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है और कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ाने में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ रहे हो बात को, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप पूरा फाउंडेशन का सिलेबस देखोगे ना, रॉकेट साइंस नहीं है, बट कौन सी चीज को कितना टाइम देना है, कब देना है, कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सभी चीजें डिपेंड करती है बहुत ज्यादा कि स्टूडेंट की चीज क्या है। तो स्टूडेंट को समझना, उसके हिसाब से बैच को आगे ले जाना, उसके हिसाब से चीजें माइंड में डलवाना, दिस ऑल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फेथ रखो कि जो भी अपन कर रहे हैं, जिस तरीके से अपन कर रहे हैं, बिलीव इन द प्रोसेस, आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे बेटा, बेस्ट रिजल्ट आएंगे, ठीक है। जो बेसिक के लेक्चर्स है, लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो बेसिक के लेक्चर्स है जो हम ले रहे हैं, जो अकाउंट्स के भी हो रहे हैं, मैथ्स के भी हो रहे हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी स्टूडेंट्स जितने भी आप अच्छे हो मैथमेटिक्स में, प्लीज बेसिक के लेक्चर्स एक बार देखो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यार इतनी मेहनत की है, लिया ही है, तो तुम देखो, या कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसीलिए, बिकॉज आपकी काफी हद तक बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। इवन इफ आप अगर तोड़ हो, तूफान हो मैथमेटिक्स में, बहुत अच्छे मार्क्स आपको आया है आज तक मैथमेटिक्स में, 11th 12th साइंस बैकग्राउंड है सर, स्टिल ये कैसे यूज करना ये आपको नहीं पता, ये तो आप पहली बार कर रहे हो जिंदगी में, तो आपने बेसिक इन्हीं सब चीजों के लिए देखना है, बिकॉज हर चीज को एक अलग नजरिया लगता है और उस अलग नजरिए से चीज को देखना जरूरी है ताकि आगे के काम आसान हो, ठीक है। चलो बहुत हुआ भाषण वगैरह, बट जरूरी था ये बोलना, राइट। सब लोगों ने फॉलो किया है जो भी मैंने बोला, तो फटाफट यस डाल दो कमेंट बॉक्स में, फिर ही आगे बढ़ूंगा मैं। सर बुर्ज खलीफा के बेस में स्टील नहीं लगाया तो बिल्डिंग गिर जाएंगी ना, अब वो नहीं समझता ना कुछ स्टूडेंट्स को। कार्तिक बोरा सर वी आर प्राउड ऑफ अस बिकॉज वी हैव यू, क्या बात है रंजू, थैंक यू सो मच बेटा, चलो ग्रेट। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने बेसिक अटेंड करना नहीं ठीक समझा और फिर मेरे से पूछा कि सर कर लूँ क्या अटेंड, 1 घंटा निकाल दूं क्या, और आज उनका फीडबैक लो, वो लोग बोलेंगे अरे सर बहुत अच्छी डिसीजन ली हमने कि हमने बेसिक पूरा देख लेना है, ठीक है। सो ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर सकते हो।
इनफैक्ट वो बेसिक लेक्चर्स तो इतने कॉमन है कि जो स्टूडेंट्स सीए नहीं भी कर रहे हैं आप उनको भी रिफर कर सकते हो देखने के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी वो चीजें कर रहे हैं वहां पे काम आएंगी। ठीक है, ग्रेट। शांतनु बोल रहा है सर यू आर अ वेरी डिसेंट पर्सन, माई फादर इज ऑल्सो मैथमेटिक्स टीचर, आई एम फीलिंग सेम वाइब्स हियर। क्या बात है, ग्रेट बेटा, ग्लैड टू नो दैट यू आर फ्रॉम अ टीचर्स के बैकग्राउंड से आप हो, तो आप समझ पाओगे काफी चीजों को जो हम यहाँ फेस करते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट। आई होप, बट इतना श्योर हूं मैं, इतना श्योर हूं कि आपको कोई भी मैथ्स के लेक्चर में या बीसीआर के लेक्चर में, इनफैक्ट कोई भी टीचर के लेक्चर में आपको बोर कभी नहीं होगा, आपके लेक्चर्स हमेशा एंटरटेनिंग ही रहेंगे एंड एट द सेम टाइम आप कंटेंट भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और मेरे ख्याल से अभी तक, आज सिक्स्थ लेक्चर है ना मैथ्स का, मुझे नहीं लगता अभी तक आप कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ पाए, कहीं भी बोर हुए हो एज सच, राइट। और एक चीज बता दूं आपको, मैंने शायद ये पहले भी कहा है कि जो स्टूडेंट फास्ट कर रहा है चीजों को, उसके लिए मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेडी रहते हैं। आपके पास बुक आ जाएंगी ना, आपको ये चीज समझने आ जाएंगी। आप क्या कर सकते हो, जब तक मैं यहाँ पे कुछ स्लोली समझा रहा हूँ तब तक आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये हमने अभी भी किया हुआ है जब आपने सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे। सो दैट इज नॉट टू वरी, आपका भी ख्याल इक्वली रखा जाएगा और जो स्टूडेंट्स को नहीं समझता उनका भी ख्याल इक्वली रखा जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। With this, let us move on to the next part. पहले एक example जो हमने देखा था, जो दद्दा त्यागी ने समझाया था मुन्ना को, जो दद्दा त्यागी ने समझाया था मुन्ना को, उस चीज को पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, जो दद्दा त्यागी ने समझाया था मुन्ना को, उस चीज को हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं और उसके बाद हम आगे जाते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट क्लोज माय पीपीटी ताकि मैं यहां ध्यान दे पाऊं। एक सेकेंड, सर मैंने अटेंडेंस लगा दिया। अच्छा, आपने लाइक कर दिया वीडियो को, ग्रेट ग्रेट। न्यू क्या है, मैंने आजकल बोलना बंद कर दिया अटेंडेंस लगाओ वीडियो को लाइक करो, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर आप पढ़ाने आ रहे हो या यूट्यूब पे लाइक्स चाहिए आपको इसलिए आ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपन टीचर है, अपन टीचर वाला काम करेंगे। तुमको पसंद आया, तुम स्टूडेंट हो, तुम लाइक करना चाहो कर दोगे, नहीं करना चाहो नहीं करोगे, मैं फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। टाइटल है ना बुक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट। सर आपके साथ लिख ले क्या, रुक जाए मेरे साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखा हुआ एग्जांपल है, समझा हुआ एग्जांपल है, सिर्फ हम नोट डाउन कर रहे हैं उस चीज को। टाइटल है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइटल है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ईयर वन की अगर मैं बात करता हूं, ईयर वन में हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 50,000 का प्रिंसिपल था। आर कितना मिल रहा था हमें, 7% मिल रहा था, एंड योर एन इज वन ईयर ओवर हियर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेटर लेना, 50,000 इंटू 7% इंटू वन, वॉज दिस 3,500। कैन आई से माई अमाउंट आफ्टर वन ईयर इज प्रिंसिपल ऑफ 50,000 रुपीज प्लस 3,500 रुपीज, दैट इज 53,500। इतना हमने देख लिया है। अब जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं और मैं ईयर टू में जाता हूं, तो मेरा प्रिंसिपल कितना जाएगा, मेरा प्रिंसिपल, मेरा ईयर वन का प्रिंसिपल प्लस ईयर वन का इंटरेस्ट, यानी कि 53,500 मेरा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। मेरा आर कितना रहेगा, सेम 7%, और एन कितना है अभी, ईयर वन के आगे ईयर टू वाला। अब मेरा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना होता है, 53,500 इंटू 7% इंटू वन ईयर, is this giving you interest as a 3745? Can I say my amount now is equal to principal for this period plus interest for this period, और मेरा total amount आता है 57,245। मुझे बताओ आपका total interest जो आपने यहाँ पे calculate किया है, जिस चीज को हम बोलते हैं compounding, कितना आ रहा है, पहले 3,500, उसके बाद 3745, कितना आया टोटल, 7245 आया, राइट, 7245 आ गया। अब मुझे बताओ अगर आप यही चीज को सिंपल इंटरेस्ट से करते हो,
सर तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो किया हमने ऊपर, नहीं ना, कहाँ सिंपल इंटरेस्ट किया। अगर आप यहाँ पे भी प्रिंसिपल 50,000 अज्यूम करते, 50,000 कंसिडर करते, तो आप सिंपल इंटरेस्ट से जा रहे हो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर कैलकुलेट किया, पहला तो प्रिंसिपल जो पहले साल का था, दूसरा तो इंटरेस्ट जो मुझे पहले साल में मिला हुआ है। तो यही तो होगा कंपाउंडिंग, यही तो चीज है कंपाउंडिंग की। अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट करता हूं तो 50,000 को अगर मैं 7% पे रखता हूं 2 सालों के लिए, कितना आता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इज इट कमिंग टू 7,000, इज इट कमिंग टू 7,000, इज इट कमिंग टू 7,000, यस और नो, राइट? ध्यान देना। अब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 7,245। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस, आपका डिफरेंस आ गया यहाँ पे 245 रुपीज का। तो ये 245 जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है ये क्या है, ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। ये 245 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। फटाफट से जिनका बाकी है इस चीज को लिख लो, छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है हम इसी मेथड से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपका लिख के हो गया है, समझ गया है, कोई डाउट नहीं है, तो प्लीज चैट बॉक्स में यस डाल दो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट 1 मिनट, फटाफट लिख लो। ये समांचो होगा आज, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, ताकि मेथड फ्रीज हो जाए हमारे दिमाग में। ये रहा सामने, ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आता है, गो फॉर इट फास्ट, ट्राई करो। पहले आपको ट्राई करने का टाइम, उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा।
बोलो क्या आंसर आ रहा है। अरे आरजे रून ने शायरी शेयर की है इंस्टाग्राम पे, क्या बात है। हाँ रोशन, मजे है तुम्हारे तो। यस गाइस बोलो, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद बुक मिल चुकी है, आप लोग बुक पे सॉल्व कर सकते हो, मैंने जगह दी हुई है बुक पे, ठीक है। चलो देखो सिंपल चीज़ है, ये क्या बोल रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल है, दिस इज माय एन, दिस इज माय आर। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो पहले साल में क्या होता, पहले साल में 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट है, 7% इंटरेस्ट इंटू 1 ईयर, दिस इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7,000। दूसरे साल पे क्या होता, 1,700 रुपये, यानी कि 1,000 प्रिंसिपल, 7,000 का इंटरेस्ट, दोनों को ले लिया इनटू 7% इनटू कितना ईयर, वापस से ये हो जाएगा आपका, कितने ईयर्स हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा नेक्स्ट यू कैन से ईयर के लिए, जितना 7,490 आ रहा है, क्या चेक करो, 107 इनटू 7%, यस। थर्ड ईयर वापस क्या होता है यहाँ पे, अब 1,07,000 प्लस 7,490 ऑफ इंटरेस्ट, ये मिला के हो जाएगा आपका 1,14,490 इंटू 7% इंटू थर्ड ईयर, अगेन 1 ईयर, 8,014.30 आ जाएगा। मुझे बताओ आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आपने इन तीनों को कैलकुलेट करना है, टोटल करना है, इज द टोटल कमिंग टू 2,254.20। अमाउंट अगर मुझे निकालना है तो अमाउंट विल बी सिंपली आपका प्रिंसिपल प्लस आपका यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, 1,225.04.30। सबका ये आंसर आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। सर ये मेथड से क्यों करवा रहे हो, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करता ना, वो तो बताऊंगा ना अभी। मैंने आपको क्या कहा, पहले वाले मेथड से इसको सॉल्व करो ताकि एक क्लैरिटी फिक्स बैठ जाए माइंड में। बाकी लोग कहां हैं, कुछ ही लोगों ने आंसर दिया है, बाकी के लोग कहां गए, आंसर क्यों नहीं है। देखो तुम आंसर नहीं दोगे तुम बोलोगे तुम स्लो जा रहे हो, तो मुझे तो स्लो जाना ही पड़ेगा ना, फिर आंसर कहां है। शायद बीच बीच में थोड़ी वीडियो ब्लर हो रही है, डू नॉट वरी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक। अब मुझे बताओ इसी चीज को मैं थोड़ा सा, अगर मुझे अमाउंट निकालना है, अगर मुझे ये वाला अमाउंट निकालना है, कैलसी लेना, 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल था मेरा, राइट, इंटरेस्ट कितना था 0.7, ईयर कितने थे 3, इस चीज को सॉल्व करो, इस चीज को सॉल्व करो, कितना आ रहा है आपका अमाउंट, लेट मी नो। सर कैसे सॉल्व किया जाए, पहले 0.07 कैलसी पे लो, प्लस 1 प्रेस करो, इंटू इक्वल टू कितना पावर है 3 है, तो दो बार इक्वल टू प्रेस करोगे, इंटू 1 लाख करो। सर मैं पहले 1 प्रेस करता हूं फिर प्लस 0.07 प्रेस करता हूं, नहीं पहले 0.07 प्रेस करो। मैं कैलकुलेटर ट्रिक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, ये आगे काम आएगा आपको, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में शायद कल ही हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको इस चीज को रियलाइज करवाऊंगा कि वाई पॉइंट जीरो सेवन फर्स्ट, शायद आज ही कुछ एग्जांपल सॉल्व होंगे, मैं आपको बताऊंगा वाई पॉइंट जीरो सेवन फर्स्ट, ठीक है। कर लो जरा, देखो आ रहा है क्या सेम आंसर, क्या करना है, क्या करना है आप लोगों ने, यहां पर यू हैव टू टेक 0.07 ऑन योर कैलसी फर्स्ट, ठीक है, प्लस कर दो 1, कितना हो गया ये, इज इट 1.07, राइट, इज इट 1.07 इंटू इक्वल टू कितनी बार करोगे, इक्वल टू दो बार करोगे, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल के साथ, यानी कि 1 लाख के साथ, चेक करो कितना आ रहा है आंसर, इज इट कमिंग द सेम,
इज इट कमिंग द सेम, राइट? इज इट कमिंग 122504.30, राइट? अब इंटरेस्ट कितना आया था आपका? आपका इंटरेस्ट आया था 22504.20, राइट? अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने 1 लाख हो गया इंटू दी ब्रैकेट आपका 1+0.07 raised to 3 एज इट इज -1 करना है। अब देखो कैलसी पे कैसे करोगे, अब कैलसी पे आपने पहले 0.07 लेना है, प्लस 1 करना है, इंटू इक्वल टू दो बार प्रेस करना है, -1 करना है और फिर इंटू 1 लाख करना है। हमने कैलकुलेटर की इतनी प्रैक्टिस की है कि अभी आपको जमना ही चाहिए, और अगर हमने ये बेसिक पे ध्यान नहीं दिया होता तो शायद यहां पे मुझे 1 घंटा लगता समझाने। सर बट 1 लिया तो भी आंसर सेम आ रहा है। नहीं करो ना, ये देखो इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में -1 का ही डिफरेंस है, और -1 हम प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करने के पहले कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट हम प्रिंसिपल को निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट रख रहे हैं। मैं समझाऊंगा चीज को, पहले आप करो, देखो आपको आंसर आता है क्या, देखो आपको आंसर आता है क्या, 0.07+1 × 2 बार -1 × 1 lakhs, आर यू गेटिंग इंटरेस्ट 22504.3, आर यू गेटिंग इंटरेस्ट 22504.30। तो मेरा ये भी मैच हुआ, मेरा ये भी मैच हुआ, तो मुझे हर बार ये चीज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इससे कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट इससे कर सकता हूं। फ्रेश पेज पे आना, पहले ध्यान देना बाद में लिखना, पहले ध्यान देना बाद में लिखना। हमने क्या किया अभी, अमाउंट निकाला, कैसे निकाला, 1 लाख रुपीज जो थे आपके इंटू 1+0.07 raised to 3 क्या था, कहना ऐसे दिस कैन बी रिटन एज अ फॉर्मूला ए इंटू ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r Raise to n। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के टाइम पे जब हमें अमाउंट निकालना होता था हम क्या करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग सिंपली a इज इक्वल टू p इंटू 1+nr करते थे। याद आ रहा है क्या, a इज इक्वल टू p इंटू 1+nr करते थे, ये n बाहर निकल जाएगा पावर में जाएगा, ये n बाहर निकल जाएगा पावर में जाएगा। लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक समझो। शॉर्टकट तो अपन यूज कर ही रहे हैं बट फॉर्मूला का लॉजिक समझो, कैलकुलेशन का लॉजिक समझो। यहां पे जो हो रहा था हम क्या कर रहे थे, आर जो भी था हमारा तीनों सालों का इंटरेस्ट और उसको 3 साल से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट निकाला उस इंटरेस्ट को 3 साल से मल्टीप्लाई किया, तो देखो आपको हर साल में सेम इंटरेस्ट मिलता था, तो बीट 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year हर साल का सेम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक बार इंटरेस्ट निकाल दिया उसको एन के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब जितने भी साल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो एंड यू यूज टू गेट द इंटरेस्ट और अमाउंट। बट यहां ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, यहां क्या हो रहा है आपने इंटरेस्ट 1 साल का निकालना है उसमें प्रिंसिपल ऐड करना है वापस, मतलब प्रिंसिपल लो 1 साल का इंटरेस्ट निकालो ऐड कर दो नया प्रिंसिपल बनेगा, फिर वापस दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालो उसको ऐड कर दो नया प्रिंसिपल बनेगा, तो फॉर ईच एंड एवरी पीरियड एक नया प्रिंसिपल बन रहा है, और इसी का शॉर्टकट जो है वो 1+r raised to n, इसलिए हम पावर में ले रहे हैं ताकि हम मल्टीप्लीकेशन के सबसे जा सके, हम हर साल का इंटरेस्ट ऐड कर सके, एंड दैट इज वाई दी चेंज इन दी फॉर्मूला, समझ रहे हो। अब एट दी सेम टाइम मुझे बताओ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे सिंपल, यहाँ पे कंपाउंड, तो मुझे बताओ कहना ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे भी हमने देखा था, इसी चीज को रीअरेंज कर दो। अब मुझे बताओ अमाउंट क्या है आपका, इज इट प्रिंसिपल इंटू 1+r raised to n एंड उसके बाद माइनस पी, यहां भी पी है यहां भी पी है, क्या मैं पी को कॉमन ले सकता हूँ, पी को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ 1+r raised to n बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, क्या ये आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, क्या ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है, दोनों भी फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन की है किस तरीके से आता है, इसका शॉर्टकट हमने ऑलरेडी देखा है कैलसी पे कैसे करना है, राइट? इसका और शॉर्टकट हम आगे देखने वाले हैं आने वाले क्वेश्चंस में, पहले इस चीज को लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो सिंपली स्पीकिंग ये -1 क्यों हो रहा है, ये -1 यहाँ इसलिए हो रहा है बिकॉज प्रिंसिपल को बाहर निकालना है, अगर प्रिंसिपल को हम रखते हैं तो हमें अमाउंट आ जाएगा, यहाँ हमने प्रिंसिपल को बाहर निकाल दिया, कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? सुशील पूछ रहा है सर 0.7 कैसे आया, अरे 7% है ना, 7% इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या, 7 divided by 100, इसका मतलब क्या 0.07, ये हमने ऑलरेडी बेसिक में कवर किया बेटा, ठीक है, चल एक बार देख लो, गो फॉर इट फास्ट।
Sir, is there any difference in a rate and interest? Interest can be explained in terms of rate also, in terms of amount also. If it is expressed in the terms of amount, it is called as interest. If it is explained in the terms of rate of interest, it is called as rate. बस इतना ही है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है सर? तो पप्पू के केस में हमको 10% और 40N लेना पड़ेगा। यस, आप करके देख सकते हो, अभी कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पता चल गया ना आपको, आप अभी होमवर्क को फिर से करके देख सकते हो, अभी मत करना, बाद में कर लेना उसको, ठीक है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बेटा सभी का? यस और नो? चलो टाइटल देना कन्वर्जन पीरियड, टाइटल देना कन्वर्जन पीरियड, टाइटल देना कन्वर्जन पीरियड। सर कैलकुलेशन ट्रिक लिखवा कर दो ना, लिखवा के देता हूं, डोंट वरी, कैलकुलेटर ट्रिक लिखवा के देता हूं। इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा कैलकुलेटर ट्रिक सब के सब आप यहां पे भी लिख लो, समरी बुक में भी लिख लो, ताकि इजीली हो जाए। सर एग्जांपल वापस एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है करता हूं, आ जाओ एग्जांपल एक बार दिखाई देता हूं पूरा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या था, 1 लाख रुपीज, एग्जाम्पल क्या था, 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं बैंक में 3 सालों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? पहली चीज तो आप ये लिख लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, सब लोग लिखोगे, कितनी भी छोटी चीज हो लिखोगे, तो मुझे बाद में क्वेरी आती है उसकी, मैं लिखवा के देता हूं। नोट, इफ लिखो साथ में, इफ क्वेश्चन डज नॉट मेंशन एनीथिंग, अबाउट टाइप ऑफ इंटरेस्ट, देन यू हैव टू अज्यूम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट में क्या यूज करना है आपने, डिफॉल्ट में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है, और अगर स्पेसिफिक मेंशन है, स्पेसिफिक मेंशन है अगर, तो ही आपने जाना है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, डिफॉल्ट में हमेशा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट ही जो टाइप का इंटरेस्ट है, जो मेथड है, जो पूरे दुनिया में ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है, बीट लोन, बीट डिपॉजिट, बीट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, कैलकुलेशंस, हर जगह पे आपको कंपाउंडिंग ही यूज किया जाता है बाय डिफॉल्ट। सिंपल इंटरेस्ट काफी कम रिस्ट्रिक्टेड जगहों पे यूज किया जाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट है। इसको लिखो पहले, फिर मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं फिर से शॉर्ट में, उसका कैलकुलेटर शॉर्टकट लिखवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस कार्तिक, बुक में छापना है, गो फॉर इट फास्ट। अश्वनी बेटा कुछ नहीं पता है मुझे उस रिगार्ड में, बट डो नॉट वरी, आपके पास आपके बुक्स पहुंच जाएंगे। आदित्य नो आइडिया बेटा। कपिल पूछ रहा है सर, इफ देर इज मेंशन दैट सेम इंटरेस्ट एवरी ईयर देन वी शुड गो बाय सिंपल इंटरेस्ट। हाँ वो भी सही है, करेक्ट सर। झालं, चलो ग्रेट, झालं झालं मतलब हो गया क्या मराठी में बोलते हैं कुछ लोग, जो पुणे के बाहर महाराष्ट्र के बाहर, आप मराठी सीख जाओगे थोड़ी बहुत, बट एक प्रॉमिस है, बदले में मुझे भी कोई लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी यार।
चलो ध्यान देना एग्जाम्पल पे, ध्यान देना एग्जाम्पल पे, 1 लाख रुपए 3 सालों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है, हमें अमाउंट निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, अमाउंट निकालना है। क्या करोगे आप, अमाउंट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, प्रिंसिपल इंटू 1 + r^n इज इक्वल टू 1 लाख, 1 + 7% को 0.07 लिख दिया मैंने, एन को 3 लिख दिया यहां पे। कैलकुलेटर ट्रिक ध्यान दो, पहला स्टेप ये लेना है, दूसरा स्टेप इसको ऐड करना है, तीसरा स्टेप इसको लेना है, और फोर्थ स्टेप इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब टाइप योर आर फर्स्ट, जो भी है आर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स में, राइट। तो इसको ये कर लो, पहले पॉइंट फॉर्म में लिख देना है इसको, टाइप आर, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, दूसरा स्टेप हो जाएगा आपका एड 1, तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई प्रेस करो, प्रेस मल्टीप्लाई, एंड उसके साथ आपने इक्वल टू प्रेस करना है, मल्टीप्लाई और इक्वल टू, इक्वल टू कितनी बार, पावर माइनस 1। मतलब क्या हो जाएगा यहां पे बेटा, पावर माइनस 1 यानी कि आपका एन माइनस 1 टाइम्स। तो एन अगर आपका 3 है तो इक्वल टू आप 2 बार प्रेस करोगे, ठीक है। नंबर 4, मल्टीप्लाई बाय द प्रिंसिपल। तो अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं भी है, मतलब आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं है तो फॉर्मूला याद है, दोनों में से एक चीज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो टाइप आर फर्स्ट, एड 1 टू इट, देन मल्टीप्लाई प्रेस करो, इक्वल टू कितनी बार, एन माइनस 1 टाइम्स प्रेस करोगे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है। चलो गो फॉर इट फास्ट। गुजराती सुनने में आती है मुझे, मतलब समझने आती है जब मैं सुनता हूँ थोड़ा बहुत, तो भी मेरे स्कूल के टाइम के काफी फ्रेंड्स थे गुजराती वाले, हरियाणवी आई लव इट बट आई डू नॉट नो, सुनता हूँ थोड़ा बहुत बट नहीं आती है बोलने। अरे इंग्लिश काफी फ्लुएंसी है इंग्लिश में, सो नो नीड, ऐसी हालत नहीं है यूके इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, डीके इंग्लिश, वो वाली हालत नहीं अपने आप में। हाँ, केसी इंग्लिश नहीं है अलग से, इंग्लिश ही अपनी इंग्लिश है। चलो इस चीज को छाप लो। आई होप सुशील, साक्षी, पीयूष और भी कोई छुपे हुए लोग जिन्होंने बोला नहीं था शॉर्टकट के बारे में या क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने के बारे में, आई गेस आपको समझने आ गया होगा। जिनका हो गया है टाइटल देना कन्वर्जन पीरियड, पहले इसको करके देखना आंसर आ रहा है क्या शॉर्टकट यूज करने बाद, आर यू गेटिंग द सेम आंसर, वो करके देखो पहले। मारवाड़ी सेम गुजराती जैसी हालत है मारवाड़ी की, मतलब मारवाड़ी गुजराती काफी फ्रेंड्स रहे हैं स्कूल के टाइम पर, अदर मारवाड़ी गुजराती ही फ्रेंड्स ही रहे हैं, तो वो उसमें समझने आता है, बोलने थोड़ा बहुत तब आता था, अब नहीं आता है। सिंधी तो मदर टंग है अपनी, सिंधी तो आती है पूरी, लिखने नहीं आती है वो अलग बात है, बट उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती इतनी। तेलुगु नहीं पता यार, मेरा एक पार्टनर हुआ करता था व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, या ही स्टिल देयर, सो वो, उसको तेलुगु आती है बट मुझे इतनी नहीं आती, वो तेलुगु है प्रॉपर। नहीं शिवांगी आंसर आप इंटरेस्ट बता रहे हो, इंटरेस्ट नहीं, ये आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली शरयू, मारवाड़ी बहुत इजी है, यूपी वाली लैंग्वेज सिखा सकता हूं। अरे जरूर शांतनु। चलो